जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। चलो भाई चलो टोल प्लाजा चलो, चलो द्वारा पहले से दर्शन का आयोजन था टोल प्लाजा पे, मीटिंग करके धरना करके भारत के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया एसडीएम और सीओ को जिलाधिकारी के माध्यम से। उसमें 11 मांगे थी, मांगों के बारे में आप जानते ही हैं, उसमें कुछ नहीं कहना है। केवल इतना कहना है कि जो भारत का अन्नदाता है, जो किसान है, 45 किसानों की अब तक दिल्ली में आंदोलन के तहत मौत हो गई है, उनके सम्मान में अतरौलिया आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर क्षेत्र से यहाँ हजारों किसानों ने आज जो है धरना दिया, ज्ञापन दिया। तो हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि चाहे वो टोल प्लाजा का मामला हो, चाहे किसी कानून का मामला हो, चाहे सिकंदरपुर सड़क का मामला हो, चाहे गन्ना घटतौली का मामला हो, चाहे धान खरीद का मामला हो, चाहे पुलिस के उत्पीड़न का मामला हो, सारे मामलों को लेकर के हम लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से डीजीएम के प्रतिनिधि थे वहाँ महिम रात ज्ञापन दिया गया। अगर सिकंदरपुर सड़क का, गन्ना घटतौली का, धान खरीद का, अगर इन छुट्टा जानवरों से अगर किसानों को राहत नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में जो हम चेतावनी दे रहे हैं जबरदस्त आंदोलन होगा। गांव-गांव जो काटा लगे हुए हैं, काटा इंचार्जों को भगा करके काटा। टूल के लिए क्या कहेंगे, टूल के लिए आप लोगों ने यहाँ टूल प्लाजा पे दिया है? टोल टैक्स से बात हुई है, डीएम साहब से वार्ता हुई है, अम्बेडकर नगर से भी वार्ता हुई है। स्थानीय लोगों को जितना हो सकेगा राहत, बड़ी से बड़ी राहत दी जाएगी। अगर ये आप लोगों की मांगे जो ज्ञापन दिए हैं कि मांगे नहीं पूरी, तो आप लोग क्या करेंगे? मांगे तो माननी ही पड़ेगी। गोरखपुर एक्सप्रेस में भी इसी तरह सवाल खड़े हुए थे, आपको याद होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस के बराबर देने के लिए कहते हैं, लेकिन 39 गांव में 82 करोड़ रुपया बढ़ाया गया था। और हमारा काम है मांगना, हमारा काम है संघर्ष का। आज जो लोग चुनौती दे रहे थे लोहरा टोल प्लाजा पे कोई नहीं जाएगा, अतरौलिया और अम्बेडकर नगर साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि लोहरा टोल प्लाजा पे हम लोगों ने जबरदस्त कर लिया, ये कर लिया। हाँ।